सबसे पहले बताइए कि आपको एनर्जी जो है, है ना, जैसे कहें कि यार मेरी एनर्जी लो हो रही है, बहुत टाइम से मैंने खाना नहीं खाया है, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से फॉर्म होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म होते हैं चावल होते हैं, रोटी होती है, दाल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गाजर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शकरकंदी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डायबिटीज़ का कारण ये है, ओवर यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को सही तरीके से यूज़ करना सीख लो, इससे अच्छी ब्लेसिंग नहीं है। तो आज हम बात करेंगे चावलों के बारे में। जो चावल होते हैं ना, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स। शुगर वालों को चावल क्यों मना करते हैं? क्योंकि चावल इमीडिएटली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको एक बड़ा इंसुलिन स्पाइक देते हैं, मतलब आपने चावल खाए उसी टाइम आपकी बॉडी के अंदर पच गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब चावल फटाफट पच जाते हैं तो दोबारा भूख लग जाती है इंसान को। जब इंसान बार 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 खाता रहता है क्योंकि उसको भूख लगती रहती है, तो उसको शुगर की गोली लग जाती है। बट लेट्स से इमेजिन करो, आपका बच्चा, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई के बीच में कहता है मम्मा मुझे भूख लगी है, आप उसको रोटी दोगे या चावल दोगे? आप उसको चावल दोगे। क्यों? रोटी को, जब रोटी पेट में जाएगी बच्चे के, तो वो धीरे धीरे पचेगी। खून है ना, जो सारे का सारा खून है, वो आपकी ब्रेन से आपके डाइजेशन में चला जाता है। रोटी में तो ग्लूटेन है, और ज्यादा मुश्किल होता है पचाना। मैंने वर्कआउट से पहले, जनरली मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आप एक्सरसाइज से पहले सिर्फ कॉफी पियो और एक्सरसाइज करो। क्यों? या कॉफी पियो या चाय पियो, थोड़ी सी दूध नहीं डालना। उससे क्या होता है, कैफीन से आपको एनर्जी ज्यादा आती है, तो आप जोर ज्यादा लगाते हो, ठीक है। अदरवाइज किसी के पास मोटिवेशन नहीं होती है। हम लोग इतना ज्यादा सारा दिन थके हुए रहते हैं, अपने शरीर के साथ हमारा कनेक्शन टूट चुका है। कोई इंसान आजकल की डेट में वर्कआउट कर ही नहीं सकता है। मैं आज आपको अपना मॉर्निंग का रूटीन बताती हूँ। 4:30 बजे मैं उठी, 4:30 बजे उठ के मैंने पाठ किया। 5:30-5:15 बजे तक मैंने पाठ करने के बाद अपनी मेडिटेशन, प्रेयर्स, जो भी होता है, उसके बाद मैंने कैफीन ली। कैफीन लेने के बाद जिम खुलता है 7 बजे, ठीक है। अब मैं 5 से लेकर 7 बजे तक मेरी बॉडी कैफीन पर टिकी हुई थी। मैं अगर जिम चली जाती तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते। क्यों? मुझे 2 घंटे हो चुके थे तो कैफीन लिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? या तो मैं दोबारा कैफीन ले लूँ, वो मैं करूँगी नहीं, दिन में 1 कप कॉफ़ी या 1 कप चाय से ज़्यादा मैं कैफीन लेती नहीं हूँ, या मेरे पास ऑप्शन है जान चाहिए तो मुझे इमीडिएटली सोर्स ऑफ कार्ब्स चाहिए, इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। अब इस केस में अगर मैं, लेट्स से, जो गुड, जो लोग कहते हैं कि जी ये बड़े अच्छे सोर्सेज ऑफ कार्ब्स हैं, क्या कहते हैं, ओट्स को कहते हैं और बकवीट, कुनोआ, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, या आलू या शकरकंदी, अगर मैं ये खा लेती तो मेरा अगेन मैं स्लो डाउन हो जाती। जो मेरा डाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को टाइम लगाता है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, एंड घर के आसपास कहीं किचन के आसपास नहीं हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स लो, विच इज राइस। तो मैंने राइस खाए, मैंने राइस के अंदर थोड़ा सा नमक डाला। मैं इस पर पूरा वीडियो बताऊंगी कि एक एक्सरसाइज से पहले नमक क्यों डालते हैं। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, वो वर्ल्ड बॉडी चैंपियनशिप जीता, जर्मन है, उसने मेरे को ये हैक बताया था। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला, और नमक डालने के बाद, खाने के बाद, लेकिन मैंने चावल कितने खाए, मैंने कुछ 40 या 50 ग्राम चावल खाए होंगे। क्यों? उससे मुझे जान आ गई। अगर मैं इससे ज़्यादा चावल खाती, मैं छोटी हाइट की हूँ, लाइक 5'4" है मेरी हाइट, 5'4" मेरी हाइट है, उसके बाद मैं बहुत मोटी नहीं हूँ, बहुत बड़ा बड़ा मेरे पास मसल नहीं है, तो 30-40 ग्राम में काम हो जाता है। मैंने 40 ग्राम चावल खाए, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी दही डाली, थोड़ी सी दही, ठीक है, दही मुझे स्लो डाउन कर देती, तो सिर्फ टेस्ट के लिए डाली, नमक डाला एंड सिनेमन। सिनेमन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? वो आपको स्पाइक नहीं आने देता। मैं चावल खा के वर्कआउट करने चली गई। अब क्या हुआ, मैं साथ में मेरे पास मेरा प्रोटीन शेक था, जो मैं वहीं ले गई। अब क्या हुआ, जितनी देर मैं वर्कआउट कर रही हूँ उतनी देर मेरी बॉडी चावलों से जान निकाल रही है। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, लेट्स से आपने वेट लॉस करना है कि मसल गेन करना है, किसी दिन मैं वेट लॉस कर रही होती हूँ, किसी दिन मैं मसल गेन कर रही होती हूँ। मुझे कहाँ कहाँ मसल चाहिए, जो मेरा बट है मुझे थोड़ा सा और राउंड और बड़ा चाहिए, बड़ा इन अ सेंस मीन्स ऐसे बड़ा नहीं, ऐसे ज़्यादा मसल चाहिए मुझे, और कहाँ मसल चाहिए, मेरे को शोल्डर्स पे, चेस्ट पे मसल नहीं ज़्यादा चाहिए, और मुझे हाँ मुझे मेरे हैम्स पे मसल चाहिए, हिप्स के जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे मुझे मसल चाहिए। जब आपको कहीं पे मसल चाहिए होता है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट हैवी उठाना पड़ता है।
जब आप वेट हैवी उठाते हो तो क्या होता है, आपको जान चाहिए होती है, वो जान चावलों से निकलती है। ठीक है गाइस, लेट्स से अगर किसी दिन मेरा ये टारगेट हो कि यार आज मैंने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, होता है मैं हफ्ते में 2-3 बार वेट लिफ्टिंग करती हूँ, अगर मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, मैंने लेट्स से सिर्फ और सिर्फ बॉडी से फैट निकालना है, उस दिन मैं हाई इंटेंसिटी स्टाइल वर्कआउट करूंगी, बट फॉर अ टाइम बींग मैं थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ और मैंने हाई इंटेंसिटी स्टाइल थोड़े कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होते हैं। जब मैं कोरोना में थी, मैं हाई इंटेंसिटी रोज कराती थी, आप लोगों को याद है, मैं इसलिए रोज कराती थी आप लोगों को हाई इंटेंसिटी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना के टाइम हमारा लॉकडाउन हो गया था, हम कहीं बाहर नहीं जाते थे, कोई स्ट्रेसेस नहीं थे। मैं अभी क्या है, लाइफ में बहुत कुछ आ गया है, लाइक दुबई है, यहाँ पे अच्छा स्कूल ढूंढना है, जब ये सारे स्ट्रेसेस चले जाएंगे तो मैं हाई इंटेंसिटी फिर से बढ़ा दूंगी, बट आजकल मैं हाई इंटेंसिटी नहीं करती हूँ। अब क्या है, जो गलती लोग वर्कआउट में करते हैं, चावल खाए मैंने, ठीक है, अब मैं जिम में गई, वहां पे ना देखना, वहां पे क्या है, ट्रेडमिल के ऊपर ना लड़कियां लगी हुई हैं, उन्होंने क्या किया, या लड़के लगे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, चावल बर्न कर दिए, उसके बाद वो वेट लिफ्टिंग जाएंगी, वेट लिफ्टिंग में वेट नहीं उठ रहा। क्यों भैया, आपने कार्ब्स तो कार्डियो के ऊपर खत्म कर दिए, अब कार्डियो कैसे करना होता है, चावल आपको जोर देता है, चावल से आपने करी वेट लिफ्टिंग, लिफ्टिंग वाला काम किया, अब क्या हो गया, वेट लिफ्टिंग करी आपने 40-45 मिनट, चावल हो गए खत्म, हो गए खत्म बॉडी के अंदर, उनकी जान निकल गई, उनसे हमने जान लगा ली। अब क्या करोगे, अब करोगे 15 मिनट कार्डियो, जब आप 15 मिनट कार्डियो भी कर लोगे या 10 मिनट कार्डियो कर लो, वो डायरेक्ट फैट बर्न हो रहा है, डायरेक्ट फैट बर्न। और मैं तो बहुत आलसी हूँ, आजकल नहीं कर रही हूँ बट जरूर करूंगी। अब देखो चावल की टाइमिंग्स कैसे जहर बन जाती हैं, अगर लेट्स से मैंने चावल दोपहर के टाइम खा लिए तो मेरे को 1-1.5 घंटे में दोबारा भूख लग जाएगी, मैं दोबारा किचन के अंदर रहूंगी, उससे होगा मेरा वेट गेन, है ना। तभी कहते हैं इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन, अगर हम उसको सही तरीके से यूज ना करें तो दोपहर के टाइम मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाऊंगी, या शकरकंदी खाऊंगी, या आलू खाऊंगी, या कुनोआ खाऊंगी, या बकवीट खाऊंगी, या जो आपकी रोटी होती है रोटी खा लो, है ना। लाइक वीट तो मैं नहीं खाती हूँ, बहुत रेयर खाती हूँ, एंड 99.9% मैं वीट नहीं खाती हूँ, तो दोपहर के टाइम में ये डिसीजन लूंगी। अगर मैंने दोपहर के टाइम चावल खा लिए, है ना, तो मतलब वेट गेन है उस दिन, दोपहर के टाइम में। ठीक है गाइज, सो ये वीडियो था, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, अगले से आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उन बुजुर्ग को डायबिटीज है, लेट्स से उन्होंने रात को डायबिटीज है, तो उन्होंने बड़ा जोर लगाना है उनको, अगर वो अपनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जोर नहीं लगाते हैं, उनको चावल मत दो, और उनको अगर चावल देने भी है घर में बुजुर्ग हैं तो उसको ठंडा करके दो, उससे क्या होता है कि जो चीनी है ना, जो स्टार्च है उसके अंदर का, वो रेजिस्टेंस स्टार्च में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करो। और अगर आप चावलों के ऊपर अपने बुजुर्ग के लिए एक थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दोगे तो उससे इंसुलिन और कम रिलीज होगा। तो बुजुर्गों को अगर, जिनको डायबिटीज है, उनको चावल मत दो, और अगर चावल दे रहे हो तो फाइबर साथ में दो, फाइबर अगर उनको पचता है, और अगर कोकोनट ऑयल डाल दोगे थोड़ा सा, या थोड़ा सा देसी घी डाल दोगे तो उसकी डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगी, और ठंडे करके फिर गर्म करो, पहले ठंडे कर दो फिर फ्रिज से निकालो और गर्म करो। ठीक है गाइस, दैट्स इट।